जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है एक अच्छी बात कहीं पे सुनने नहीं मिल रही। एक आखिरी उम्मीद बची है वो है मूवीज। कुछ मूवीज हमें टेम्पररी बेसिस पे मोटिवेट करती है, लेकिन जब आप किसी की रियल लाइफ बायोग्राफी देखते हो तो आप लाइफ टाइम के लिए उसके कहानी से इंस्पायर्ड होते हो। अभी का रिव्यू हम ऐसी ही हॉलीवुड की बायोपिक मूवीज का रिव्यू करेंगे जो इस डिप्रेसिंग टाइम में हमारे लिए एक उम्मीद की किरण बनेंगे। स्क्रीन पर हमारे पिछले टॉप 10 मूवीज की लिस्ट है। ऐसी ही लिस्ट के लिए आइए हमारे इंस्टाग्राम आईडी @abhi_review पर। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 10 हॉलीवुड रियल लाइफ इंस्पायरिंग मूवीज बियॉन्ड इमेजिनेशन पार्ट 12। जरा सोच के देखो, आप पानी के ऊपर सर्फिंग कर रहे हो और एक बड़ी शार्क आकर आपका एक हाथ खा जाती है, क्या आप फिर से पानी में उतरोगे? 2011 की स्पोर्ट्स बायोपिक जो इंस्पायर्ड है बेथनी हैमिल्टन की ट्रू कहानी से, सोल सर्फर। इस मूवी की सबसे बढ़िया बात है इसकी सिनेमेटोग्राफी। विजुअल ट्रीट है जिसमें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वैसे अलग अलग एंगल से सर्फिंग के शॉट्स लिए हैं। फैमिली और फ्रेंड के सपोर्ट और ऊपर वाले पे भरोसा रखकर बेथनी अपने डर और कमजोर मन को हरा पाती है या नहीं, ये इस मूवी में दिखाया। रिंकू सिंह और दिनेश पटेल भारत के एक छोटे से गांव के टैलेंटेड लड़के सिलेक्ट होते हैं अमेरिका के बेसबॉल पिचिंग के लिए। हमें ये सुनने में जितना इम्पॉसिबल और वियर्ड लग रहा है उससे 10 गुना ज्यादा शॉक्ड और सरप्राइज आप होंगे इस मूवी को देखकर। 2014 की डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है स्पोर्ट्स ड्रामा मिलियन डॉलर आर्म। इस मूवी को देखकर आप रिंकू और दिनेश के भोलेपन के प्यार में पड़ जाओगे। आपका टैलेंट जो कुछ भी हो उसकी दुनिया में कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी जगह है। सर्वे किया गया है, दुनिया के 80% लोगों ने मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाया। क्या कभी आपने इस बर्गर के पीछे की रियल कहानी देखी? नंबर 8 पे हिस्ट्री ड्रामा 2016 की नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है द फाउंडर। फ्रेंचाइज द डैम थिंग मिस्टर क्रॉ। फ्रेंचाइज। इस लिस्ट में वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन प्ले है इस मूवी का। अच्छी बात तो ये है ये मूवी सिर्फ मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर की तारीफ ही नहीं करती लेकिन ड्रामेटिक तरीके से हमारे सामने उसके लाइफ की डार्क साइड भी रखती है। कभी कभी किसी चीज को हासिल करने का नशा इतना गहरा होता है कि हम उसे पाने के लिए पूरी दुनिया के अगेंस्ट चले जाते हैं। ऐसी ही 2016 की स्पोर्ट्स कॉमेडी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है एडी द ईगल। ओलंपिक्स की जंपिंग में अपने देश का नाम करने के लिए एडी एडवर्ड एक अंडरडॉग स्की जंपर पागलों की तरह अपनी फैमिली सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर दिन रात एक करके स्की करने लगता है। क्या वो ओलंपिक्स में अपनी जगह बना पाता है? इसका जवाब आपको ये मूवी देगी। जब कंपटीशन की बात आती है तो इंसान अपनी सारी सीमाएं पार कर देता है नंबर 1 पे रहने के लिए। ऐसी ही 2013 की स्पोर्ट्स ड्रामा रश। ये मूवी YouTube पर कई सारे कट्स के साथ अवेलेबल है। फॉर्मूला 1 कार रेसर के बीच की राइवलरी जब रेसिंग ट्रैक के ऊपर चलती है तो वो देखकर हमारे बॉडी के अंदर का एड्रेनालिन पूरे टॉप पे चला जाता है। सबसे बेस्ट पार्ट मूवी का है जब वो बारिश में कार रेसिंग करते हैं। आप भूल जाओगे कि आप इस मूवी को देख रहे हो, आपको लगने लगेगा कि मैं इस मूवी को जी रहा हूं। इन सब के बाद एंड में इतना स्ट्रांग मैसेज देती है मूवी, लाइफ टाइम आपको याद रहेगा ये। नंबर 5 की म्यूजिकल ड्रामा मूवी ने सभी साउंड कैटेगरी के ऑस्कर्स अपने नाम किए हैं और रामी मलिक को फ्रेडी मर्क्यूरी के कैरेक्टर के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोल्ड और हटके मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है 2018 की बोहेमिया रैप्सोडी। ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने हमारे स्कूल टाइम में क्वींस बैंड का वो कैची म्यूजिक एक साथ मिलकर नहीं बजाया हो, लेकिन इस एपिक म्यूजिकल जर्नी के पीछे रोलर कोस्टर राइड वाली कहानी है। ये मूवी आपको फेक अच्छी अच्छी बातें बताकर इंस्पायर नहीं करती, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपनी कहानी आपके सामने रखती है और आपको डिसाइड करने का, जज करने का पूरा हक देती है। अगर आप में पेशेंस है और आप कुछ नया और हटके देखना चाहते हैं तो नंबर 4 पे 2007 की ड्रामा एडवेंचर नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है इनटू द वाइल्ड। क्रिस्टोफर मैकेंडलेस की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड ये कहानी, जहां ग्रेजुएशन करने के बाद दुनिया जॉब ढूंढने निकलती है, वहां क्रिस्टोफर अलास्का के जंगल में अपनी लाइफ ढूंढने निकलता है। ये मूवी आपको बहुत ही रियलिस्टिक लगेगी, फेरी टेल वाली दुनिया तो आपको इसमें बिल्कुल देखने नहीं मिलेगी, लेकिन इन सब के बावजूद हमारी लाइफ का रियल मकसद क्या है वो आपको समझ में आएगा। मूवी की स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा स्लो है क्योंकि एक जंगल में एक ही कैरेक्टर पर पूरी मूवी फोकस। टॉप 3 मूवी से पहले अगर हमारी सोच इस वीडियो पर कहीं आकर मिली तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो जरूर कीजिए। नंबर 3 की मूवी के सीन्स देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इस साल की ऑस्कर नॉमिनेटेड 2019 की स्पोर्ट्स ड्रामा फोर्ड वर्सेस फरारी। जब फरारी डोमिनेट करती है कार रेसिंग स्पोर्ट्स को तो फोर्ड अपने कार में छोटे छोटे अपडेट से नंबर 1 पे आने की पूरी ताकत लगा देता है।
क्रिस्टन बेल और मैट डेमन जैसे एक्टर्स आपको फील ही नहीं होने देंगे कि ये कोई मूवी चल रही है। इस मूवी को देखने के बाद आप इसके बिहाइंड द सीन्स देखने के लिए 100% वापस YouTube पर आओगे। नंबर 2 पे मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए 2006 की Amazon Prime पर अवेलेबल है Pursuit of Happiness। इस मूवी को आप डिप्रेशन की मेडिसिन समझ लो। क्रिस गार्डनर की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड ये कहानी आपको लाइफ में नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड सिखाती है। फादर और सन के बीच का ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, बेघर सिंगल फादर अपने 8 साल के बच्चे के साथ वर्स्ट कंडीशन में भी इंटर्नशिप की पढ़ाई करते करते वॉल स्ट्रीट में अपनी जॉब ले पाता है या नहीं, ये इस मूवी में आपको देखने मिलेगा। नंबर 1 की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड मूवी इतनी पावरफुल है आपके दिमाग पर हमेशा हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ेगी। 2004 की डिज्नी प्लस हॉटस्टार और यूट्यूब पर अवेलेबल है स्पोर्ट्स ड्रामा मिलियन डॉलर बेबी। म्यूरिन शेन के रियल लाइफ से इंस्पायर्ड ये मूवी बॉक्सिंग की दुनिया की राउडी और दबंग लड़की की कहानी है। ये मूवी 1% भी आपको फेक नहीं लग। बेस्ट एक्टर, बेस्ट राइटिंग, बेस्ट फिल्म एडिटिंग के ऑस्कर इसे मिले हैं और इन सब के ऊपर हिलेरी स्वैन की एक्टिंग। बॉक्सिंग में नंबर 1 बनने की चाह में मैगी अपने शरीर को हर एंगल से तोड़ मरोड़ के हमें इंस्पायर करती है। अगर आपका सपोर्ट रहा और हमने इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स पूरे किए तो मुझे समझ आएगा कि आज भी लोग मूवीज बियॉन्ड इमेजिनेशन में इंटरेस्टेड है। बेस्ट मूवीज एंड वेब सीरीज की लिस्ट और लेटेस्ट मूवीज वेब सीरीज की लिस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। हम सब कमेंट सेशन में वेट कर रहे हैं आपकी फेवरेट बायोपिक इंस्पायरिंग मूवी जानने के लिए। इस वीडियो की लिस्ट के साथ वो कहां अवेलेबल है मैं मिलूंगा आपसे इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।